हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का बेसिक समझा था। आज हम लोग कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में दो चीजें चेक करना सीखेंगे। पहला है डिग्री ऑफ होमोजेनिटी और दूसरा है रिटर्न्स टू स्केल। देखिए, ये एक कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ होमोजेनिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिग्री ऑफ होमोजिनिटी चेक करने के लिए हमें निकालना पड़ता है अल्फा प्लस बीटा। ये जो अल्फा प्लस बीटा है, यही हमारी डिग्री ऑफ होमोजिनिटी होती है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अल्फा की वैल्यू मोर देन जीरो है, पहले ही बताया था। बीटा की वैल्यू भी मोर देन जीरो है, पहले ही बताया था। तो इस हिसाब से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मोर देन जीरो होगी। कहने का मतलब यह है कि अल्फा एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, बीटा भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। दो पॉजिटिव कांस्टेंट का जो समेशन होता है वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू ही होती है। देखिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम बात करें, वो जीरो नहीं होगी, जीरो से इस साइड होगी। वो वन हो सकती है, वो टू हो सकती है, वो थ्री हो सकती है, वो फोर हो सकती है, वो पॉइंट्स में हो सकती है, 0.75, 0.65, 0.91 हो सकती है, बट वो जीरो से कम नहीं होगी, जीरो भी नहीं होगी। जो भी वैल्यू होगी वो जीरो से ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल की हेल्प से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल वन। हमारा ये कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये। अगर यहां पर आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या होता है लेवल के ऊपर की पावर, बीटा क्या होता है कैपिटल के ऊपर की पावर, तो यहां पर इनका जो समेशन है एलसीएम लेने के बाद वन आएगा। इस केस में आप कहोगे कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री वन। इस केस में आपका कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होमोजेनियस है और जिसकी डिग्री वन है। इसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा एग्जांपल है आपका ये। तो यहां पर अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का समेशन निकालें, तो ये आपका आएगा एलसीएम लेने के बाद 7/3। इसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिएगा ये। तो यहां पे देखिए जो वैल्यू आई है वही 2.33। आप कहोगे कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2.33, ठीक है। इसके बाद आप तीसरा एग्जांपल लीजिए। यहां पर हमारे पास है ये। तो यहां पर अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें, तो ये आएगी एलसीएम लेने के बाद 5/6। अब जब डिवाइड दोगे 0.8 समथिंग आएगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको तीन केस बताए, एक में अल्फा प्लस बीटा की पावर वन की इक्वल थी, एक में वन से कम थी, और एक में वन से ज्यादा थी। तो मैंने वो आपको बता दिया है कि डिग्री ऑफ होमोजेनिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं। अब अगली जो बात हमें समझनी है वो समझनी है कि हम लोग एक कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की हेल्प से ही कैसे बता पाएंगे कि इस कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं, या फिर हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रहे हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा का समेशन वन आता है, तो आप कहोगे इस प्रोडक्शन फंक्शन से हमें कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रहे हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा का समेशन मोर देन वन आता है, तो आप कहोगे इस कर्व डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। और अगर अल्फा प्लस बीटा का समेशन लेस देन वन आता है, तो आप कहोगे इस कर्व डगलस फंक्शन से हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल मिल रहे हैं। अब हम समझते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है।
यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो ये है, आउटपुट 10 है, ये L है और ये K है। अब मैंने क्या करा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दी लेबर में और कैपिटल में भी कर दी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी हो गया डबल। अगर ऐसा केस होता है जब इनपुट को डबल करने पे आउटपुट भी डबल हो जाए तो हम इसे कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, या फिर आउटपुट ट्रिपल करने सॉरी इनपुट ट्रिपल करने पे आउटपुट भी ट्रिपल हो जाए, या फिर इनपुट को 4 टाइम्स करने से आउटपुट भी 4 टाइम्स हो जाए, तो इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है अगर आप एक इक्वल रेशो में लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हो तो उसी रेशो में आपका आउटपुट भी बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है, अगर आप अपने इनपुट को डबल करते हो, लेबर कैपिटल दोनों को डबल कर दो इंक्रीजिंग, तो आपका जो आउटपुट है वो डबल नहीं होगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा, 20 से ज्यादा होगा, 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 37 हो सकता है, 21 हो सकता है, कुछ भी होगा बट डबल से ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर आप इसे ट्रिपल कर दो तो ये ट्रिपल से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 40 हो गया। ऐसे ही अगर आप इसे 4 टाइम्स कर दो तो ये 4 टाइम्स से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 55 हो गया। कहने का मतलब यह है कि इंक्रीज रिटर्न्स टू स्केल हमें ये बताता है अगर आप एक फिक्स प्रोपोर्शन में लेबर और इनपुट को इंक्रीज करते हो तो आउटपुट में होने वाला जो इंक्रीज होता है वो लेबर में और कैपिटल में होने वाले इंक्रीज से ज्यादा होता है। एक बात ध्यान रखना, एक ही रेशो में करना होता है इंक्रीज, लेबर को 4 टाइम्स करोगे तो कैपिटल को भी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में होता है अगर आपने लेबर को डबल करा और कैपिटल को भी डबल करा तो आपका आउटपुट डबल नहीं होगा, डबल से भी कम हो जाएगा, कम कुछ भी हो सकता है। मैंने ले लिया है 18, डबल तो होना चाहिए था 20, पर 20 नहीं हुआ, 20 से कम हो गया। ऐसे अगर आप इसे ट्रिपल करोगे तो ट्रिपल नहीं होगा, ट्रिपल से कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल ये बताता है अगर आप एक ही रेशो में लेबर और कैपिटल को बढ़ाते हो तो आउटपुट आपका उसी रेशो में नहीं बढ़ेगा, उससे कम रेशो में बढ़ेगा। तो हमें ये पता चल गया कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शंस में रिटर्न टू स्केल को कैसे चेक करते हैं। अब देखिए ये वाला जो केस है, हम इस केस को डिटेल में पढ़ेंगे जब आमतौर पर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो हम लोग ऐसा ही कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन यूज करते हैं जहां पर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें मिलते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।